शाम 6 बजे की 6 खास खबरों में आज आपको सबसे पहले दिखाएंगे। प्रीमियम बस पर दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच कैसे शुरू हुई जंग। बस सर्विसेज के बारे में एलिगेशंस हैं कि उसमें ऑनरेबल एलजी की अप्रूवल नहीं है, जबकि उसमें लिखा गया है कि ऑनरेबल एलजी की अप्रूवल है। दूसरी खबर असम के सरफराज की है। आरएसएस के स्कूल शिशु निकेतन में पढ़ाई कर 10वीं बोर्ड का टॉपर कैसे बना सरफराज। तीसरी खबर में आप देखेंगे कटिहार में चलती ट्रेन से एक महिला कैसे गायब हो गई। चौथी खबर में आपको दिखाएंगे सेल्फी लेते वक्त कैसे एक छात्रा टावर से समंदर में गिरी। पांचवी खबर में आप देखेंगे गिर के पनघट पर कैसे जुटे 10 शेर। और छठी खबर में आपको दिखाएंगे ओलंपिक में मेडल पाने वाले मंत्री कैसे पगड़ी बांधने में भी हैं चैंपियन। नमस्कार, मैं हूं सचिन। अगले आधे घंटे में हम आपको दिन भर की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात था एलजी और दिल्ली सरकार के बीच शुरू हुई नई तकरार की। ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस आज लॉन्च होनी थी, लेकिन एलजी से इसके लिए इजाजत नहीं ली गई। साथ ही सेवा में खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी है, लिहाजा एसीबी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रीमियम बस पर शुरू हुई जंग। दिल्ली सरकार ने एलजी से नहीं ली मंजूरी। एलजी और दिल्ली सरकार में तकरार। एसीबी चीफ ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में एलजी नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच फिर तकरार शुरू हो गई है। इस बार विवाद प्रीमियम बस की लॉन्चिंग को लेकर है। दरअसल एलजी के नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ही दिल्ली सरकार ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरू करने वाली थी। आरोप ये भी है कि इसके जरिए खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की तैयारी थी, लिहाजा इस मामले की जांच अब एसीबी करेगी। उसमें एलिगेशन है कि ये सारा का सारा मामला किसी पर्टिकुलर कंपनी को फेवर करने के लिए किया गया है। उसमें सारे के सारे अनडिफाइंड रूट्स हैं, अनलिमिटेड रूट्स हैं, अनडिफाइंड रूट्स हैं, और सारा इसमें कई अनियमितियाँ हैं और कई उसमें इलीगल है। ये ऑर्डर इलीगल है और वायलेशन ऑफ एमबी एक्ट। दरअसल बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एसीबी को इसको लेकर शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि बगैर एलजी के नोटिफिकेशन के ये फैसला लागू नहीं किया जा सकता है। उधर केजरीवाल सरकार ने प्रीमियम बस मामले की एसीबी से जांच कराने के फैसले को इस योजना को लटकाने की कोशिश करार दिया है। कोई छोटे से चपरासी की भी नौकरी लगती है तो या तो वो गवर्नर का नाम लिखा होता है या राष्ट्रपति का नाम लिखा होता है। ये संवैधानिक संरचना ऐसी है, तो उसमें नाम एलजी का कैसे लिखा हुआ है, इस बात पर एसीबी जांच करे। जांच से कोई डर नहीं है, जांच कर ले, लेकिन ऐसे लगता है कि कोई काम ना हो पाए, रोड़े अटकाए जाएं, उसके लिए रोज नई चलाकी सोच के बैठ जाते हैं। दिल्ली सरकार ने अप्रैल में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस पॉलिसी का ऐलान किया था। योजना के तहत प्राइवेट बस कंपनी रजिस्ट्रेशन कराकर दिल्ली में लग्जरी बसें चला सकती है। 20 मई को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया था। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बिना जानकारी उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी करने का आरोप लगाते हुए योजना पर रोक लगाई और एलजी के नाम पर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर से जवाब मांगा गया है। केजरीवाल सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रीमियम बस सेवा आज से लॉन्च होनी थी। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।